तो आखिरी सीन के बाद तीनों खवातीनें इकट्ठा होकर टेंशन में आ जाते हैं कि किसने मैसेज किया होगा। वो लोग याद करते हैं कि कौन कौन घर पे था उस दिन। वो लोग आयशा पर शक करते हैं, पर यिल्दिज कहती है कि वो बहुत भोली है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो वो लोग आयशा को बुलाते हैं पूछताछ करने। वो बेचारी डर जाती है, फिर भी याद करती है कि उन दिनों क्या हुआ था। तो उसे याद आया कि सजीर ने उसे एक दिन रास्ते पर रोका था। अरे इसको तो भूल ही गई, खालिद की अमानत। काफ़ी बुरी हालत थी उसकी, थोड़ा पागल सा बिहेव कर रहा था। कह रहा था कि वो कर्ज में डूब गया है। और एक बात बता दूँ, सजीर के लिए खालिद थोड़े पैसे छोड़ गया था, वो भी उसने उड़ा दिया। कहता है कि खालिद के बिना किसी के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या अजीब वफादारी है, जैसे कि खालिद की बीवी हो। फिर भी वो आयशा को पूछता है कि खालिद की मौत नॉर्मल नहीं थी, उस दिन तो यिल्दिज़, शाइका और आलिया भी घर पे थे। आयशा मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था, मतलब कि उसे शक है उन तीनों पे। आयशा कुछ नहीं बताती, फिर भी वो बोलता है कि खालिद होता तो मुझे इस हालत से निकाल लेता। इसको एक दिन खालिद जॉब से निकालने वाला था, करीम ने बचाया था इसको। लगता है याददाश्त भी चली गई है इसकी। अब प्रेजेंट में तीनों लेडीज़ को सजीर पर शक जाता है, क्योंकि ज़रूर उसने पैसों के लिए ये सब किया होगा। इसलिए वो आयशा को सजीर को कॉल करने कहते हैं उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में। आलिया आयशा को कॉल पर एक्टिव रहने कहती है ताकि उन्हें सब सुनाई दे, प्लस रिकॉर्ड भी हो। सजीर आता है एक रेस्टोरेंट में। आयशा सजीर से पूछती है कि तुमने मुझे कोई मैसेज किया था क्या। सजीर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं किया था, क्या तुम्हें यिल्दिज़ ने कुछ बताया। बस यहीं पे सजीर पकड़ा गया। तीनों लेडीज सजीर के पास आते हैं और उसे चेयर पे बिठा के मैसेज वाली बात पूछते हैं, तो वो साफ मना करते हैं। वो लोग कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट्स भी खालिद की मौत का रीज़न एक्सीडेंट बता रही है। हम यहाँ डर की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हें वार्न करने आए हैं कि तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई है और हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। सजीर का मुँह भी खुल जाता है और गिड़गिड़ा के कहता है कि उसने ये सब किया क्योंकि वो बहुत बड़ी मुश्किल में था, आगे से ऐसा नहीं करेगा। वो लोग छोड़ देते हैं उसे, पर यिल्दिज़ उसकी पैसों से मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी सब मना कर देते हैं। जुनैद ने उसके फ्रेंड को बता दिया कि यिल्दिज़ और वो एक दूसरे को जानते हैं। उसका दोस्त यिल्दिज़ से उसे मिलाने कहता है। जुनैद इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसका दोस्त यिल्दिज़ को इंस्टा पे फॉलो करने लगता है और मैसेज भी करता है, पर यिल्दिज़ भाव नहीं देती। जुनैद का दोस्त जुनैद को क्लियर कर देता है कि वो यिल्दिज़ के मामले में सीरियस है। जुनैद को उसका डैड कॉल करके मिलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उस दिन जुनैद ने हसन का गिफ्ट खोला था, जिसमें उसके बहुत सारे बचपन की तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। वो सब देख के जुनैद का दिल शायद पिघल गया है। दोनों बाप बेटे मिलते हैं और हसन जुनैद को यिल्दिज़ के साथ चिढ़ाता है कि उसके लिए यिल्दिज़ सही लड़की है। जुनैद टालने लगता है। पास में फरीदा की एक फ्रेंड उसी जगह डिनर करने आती है, तो दोनों बाप बेटे को देखकर उसे हैरत होती है। इसलिए वो फरीदा को कॉल करती है कि बाप बेटे में सुलह कब हुई। इसी दौरान फरीदा जुनैद और हसन के सुलह होने की बात जान लेती है और तभी गुस्से में जुनैद का सामना करने वाली थी, पर गुलनार ने उसे रोक लिया इस बात से कि बेटे के पीछे लगी रहोगी तो बेटा हाथ से जाएगा। पर फरीदा हसन का सामना करना चाहती है, इसलिए उसे घर बुलाती है। गुस्से में लोग बहस की तैयारी करते हैं, पर फरीदा सजने संवरने लगती है। हसन को कायल करना है ना, गुलनार हसन को समझा देती है कि मीठी मीठी तारीफ करना फरीदा की। हसन मान जाता है और अंदर जाके रोबोट की तरह तारीफ करने लगता है। इसके बावजूद दोनों में बहस होती है। हसन कहते हैं कि वो मेरा भी बेटा है, मैं उससे मिल सकता हूँ, तुम्हारे पागलपन की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही है। ऐसे ही यिल्दिज़ की बात आ जाती है और फरीदा फिर उल्टी सीधी बातें करने लगती है यिल्दिज़ का। हसन चला जाता है गुस्से में। आसमा यिल्दिज़ को अपने और ज़ायरा के बिजनेस का खुलासा करते हुए कहती है कि उन्होंने एक एवोकाडो का बार खोला है, शायद सैलड मिलता है वहाँ अलग किस्म का। यिल्दिज़ गुस्सा होती है कि बिना बताए यूं ही कैसे खोल लिया बिजनेस। एनीवेज कल उसकी ओपनिंग है। ज़ायरा ने मुराद के लिए ये बात सरप्राइज रखी है। यिल्दिज़ अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपार्टमेंट के जिम ज्वाइन करती है और ट्रेडमिल चलाते हुए गिर जाती है। उसे संभालने एक लड़की आती है जिसका नाम बुरचू है। वो उसे कॉफ़ी पिलाने ले जाती है और गपशप होती है, जिससे पता चलता है कि बुरचू इस जिम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पीछा करते हुए ज्वाइन की थी, यानी जासूसी करने, पर उसका एक्स वहाँ से चला गया। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि वो जुनैद है, नॉट श्योर। एनीवेज यिल्दिज़ उसे अपने बॉयफ्रेंड से पैचअप करने कहती है और उसे मैसेज करने कहती है, जो वो करती है। आगे का मैंने देखा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इस तरफ शाइका ने खलील को एक अफवाह फैलाने कहा है कि मुराद और शाइका में एक अफेयर था। मुराद ने ज़ायरा को शाइका के साथ चीट किया और शाइका ने उससे ब्रेकअप कर लिया, पर मुराद अभी भी उसके पीछे है। खलील वही करता है और इस सीन में समझ जाता है कि ऑफिस में काम कम चुगलियाँ ज़्यादा होती है। शाइका उसी वक्त मटकते हुए मुराद के पास जाती है सबके सामने। मुराद से बेकार की बातें करने के बाद वो रोने का नाटक करते हुए बाहर निकलती है। सो फनी, सब इस बात पे यकीन करने लगते हैं। अगले दिन शाइका खलील को ऑर्डर देती है कि मेहमत को लेकर मुराद के कैबिन के सामने रहना, मेरी चीख सुनते ही उसे लेकर अंदर आ जाना। शाइका मुराद के पास जाती है और उसे अट्रैक्ट करने लगती है। मुराद मना करता है और तभी शाइका अपने ड्रेस को पीछे से खोलने लगती है और पूरा ड्रेस उतार के चिल्लाने लगती है कि मुझे इसने असॉल्ट किया, और तभी महमूद और खलील आ जाते हैं।
खलील आके मुराद से लड़ता है और शायिका को लेके जाता है। मुराद तो पागल हो जाता है, सबको समझाने की कोशिश करता है पर उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। पर ये ना बहुत नीच काम किया शायिका ने, हराना है तो और भी तरीके हैं लेकिन अपने इज्जत के साथ नाटक करना नॉट कूल। कितनी औरतें ऐसे मामलों में जूझ रही है, उनका मजाक बन जाता है, और कितनी शायिका जैसी औरतें मासूम मर्दों को फेक केस में फंसा देते हैं। क्या दिन आ गया है। एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।